वेलकम बैक स्टूडेंट्स, टुडे वी रीड आवर सेशन 5, इंसर्टिंग डिलीटिंग एंड एडजस्टिंग रो एंड कॉलम। इन दिस सेशन वी रीड अबाउट हाउ वी इंसर्ट रो एंड कॉलम इन आवर एक्सेल शीट, हाउ वी डिलीट रो एंड कॉलम इन आवर एक्सेल शीट, हाउ वी एडजस्ट रो एंड कॉलम इन आवर एक्सेल शीट। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट टॉपिक इज इंसर्टिंग रो एंड कॉलम। हमारा पहला टॉपिक क्या है? इंसर्टिंग रो एंड कॉलम। चलिए इसको देखते हैं क्या है। एट टाइम व्हाइल एंटरिंग डाटा इन अ फाइल यू मे मिस सम डाटा एंट्री और रिकॉर्ड ऑफ अ पर्सन। ओके, जब हम अपने एक्सेल शीट में अपना डाटा एंटर कर रहे होते हैं तो हम अपना कुछ डाटा मिस कर सकते हैं या किसी पर्सन की एंट्री मिस कर सकते हैं, तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? इंसर्टिंग रो और कॉलम की। आइए इसको ऐसे समझते हैं, ये हमारी एक्सेल शीट है। सपोज मैथ्स और हिंदी के बीच में हमें इंग्लिश सब्जेक्ट के नंबर चाहिए थे लेकिन हमसे मिस हो गया, तो हम क्या करेंगे? मैथ्स और हिंदी के बीच में एक कॉलम इंसर्ट करेंगे। और वो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जहां कॉलम ऐड करना है, इंसर्ट करना है, उससे पहले वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जाने के हम सेल ग्रुप में गए। सेल ग्रुप में इंसर्ट ऑप्शन में गए। इंसर्ट ऑप्शन में देखिए आपके पास कितने ऑप्शन हैं। इंसर्ट सेल करेंगे तो इंसर्ट सेल हो जाएगा। हमको क्या करना है, पूरा कॉलम इंसर्ट करना है। हमने पूरा कॉलम इंसर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ हमें क्या चाहिए था? इंग्लिश सब्जेक्ट चाहिए था। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट का पूरा कॉलम हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है कि हम किसी भी कॉलम या रो को कैसे डिलीट करते हैं। उसके लिए सिंपल, जिस कॉलम या रो को हमने डिलीट करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, होम टैब में जाएंगे, सेल ग्रुप में जाएंगे। देखिए डिलीट ऑप्शन, डिलीट ऑप्शन में हमने क्लिक किया, हमें क्या करना है, एंटायर इंग्लिश का जो कॉलम है उसको डिलीट करना है, तो हमने क्लिक करके डिलीट कर दिया। ठीक है, देखिए मैथ्स और हिंदी के बीच में जो इंग्लिश था वो हट गया है। अब हमारा अगला टॉपिक है स्टेप टू इंसर्टिंग सेल। इंसर्ट सेल करने के क्या स्टेप्स होते हैं? सपोज श्याम के जो हिंदी के मार्क्स हैं वहाँ हमने एक सेल एंटर करना है और कुछ ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे? सिंपल, होम टैब में जाएंगे, सबसे पहले सेल सेलेक्ट करेंगे, होम टैब में जाएंगे, सेल ग्रुप में गए, इंसर्ट ऑप्शन में गए, इंसर्ट सेल में हमने क्लिक किया। अब देखिए एक डायलॉग बॉक्स आया, वो हमसे पूछता है क्या करें, जो हमारा जो प्रेजेंट सेल है जिसको हमने सेलेक्ट कर दिया है उसको हम कहाँ मूव करें, नीचे मूव करें कि राइट में करें। तो हम सपोज राइट में मूव करना चाहते हैं, उसको हिंदी के मार्क्स हम चाहते हैं SST में, तो हमने ओके कर दिया। तो देखिए 58 आपका कहाँ आ गया, SST में आ गया। अब सेम रहेगा, अगर हम उसको डिलीट करना चाहें तो क्या करेंगे, हम होम टैब में जाएंगे, सेल ग्रुप में जाएंगे, डिलीट ऑप्शन में जाएंगे और डिलीट सेल में क्लिक कर देंगे। अब क्या करेंगे, हम 58 को वापस हिंदी के नीचे जाते हैं तो शिफ्ट सेल लेफ्ट करेंगे और ओके में क्लिक करेंगे। तो हमारा क्या करा, हमने क्या क्या सीख लिया, रो और कॉलम को इंसर्ट करना, डिलीट करना, किसी भी सेल को इंसर्ट करना और डिलीट करना। आइए देखते हैं आगे हमारा क्या है। अगला हमारा टॉपिक है मर्जिंग सेल। अब मर्जिंग सेल क्या होता है, जब हम अपने दो सेल को आपस में मर्ज करना चाहते हैं या जोड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो हम किसका यूज करेंगे, मर्जिंग सेल का यूज करेंगे। आइए देखते हैं इसके स्टेप्स क्या क्या हैं। सेलेक्ट द सेल टू मर्ज देम एज वन सेल। हम उन सेलों को सेलेक्ट करेंगे जिसको हमने मर्ज करना है। उसके बाद हम अलाइनमेंट ग्रुप के मर्ज एंड सेंटर में जाएंगे और क्लिक करेंगे, तो हमारा सेल क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। हमारा अगला है रैप टेक्स्ट। अब रैप टेक्स्ट क्या है, आइए देखते हैं। व्हेन द लेंथ ऑफ द टेक्स्ट डज नॉट फिट कंप्लीटली इन द सेल एज द सेल्स विड्थ इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, जब हम हमारा डाटा सेल में फिट नहीं हो और उसकी विड्थ क्या हो जाए, स्मॉल हो जाती है, तो हमारे लिए एक अल्टरनेटिव ऑप्शन रहता है क्या, कि हम उस टेक्स्ट को मल्टीपल लाइंस में यूज करें। और उसका हम यूज कैसे करेंगे, रैप टेक्स्ट ऑप्शन का यूज करके। आइए देखते हैं स्टेप्स रैपिंग टेक्स्ट क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेलेक्ट द सेल्स टू रैप इट्स टेक्स्ट। हम उस सेल को सेलेक्ट करेंगे जिसको हमने रैप करना है। उसके बाद सिंपली हम अलाइनमेंट ग्रुप के रैप एंड टेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे और क्लिक ओके करेंगे।
तो हमारा क्या हो जाएगा, वो टेक्स्ट सेल का टेक्स्ट रैप हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।